आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। आइए देखते हैं सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में सीएम की कुर्सी के लिए निर्णायक जंग शुरू। शिमला के होटल पेट्रॉप में सजा अखाड़ा। जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर प्रमुख दावेदार। मंडी बस स्टैंड पर बम की अफवाह से मचा हड़कंप। पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा। बंदला धार में एनपीसीसी बनाएगी देश का दूसरा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। नम आंखों से नालागढ़ का लाडला विदा। शहीद शिव सिंह का कीरतपुर में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। अवैध होटलों पर तालाबंदी का असर। मैक्लोडगंज में 5 गुना बढ़ा दिए रेट। धर्मशाला की सीमा ने फिर जीता सोना। रोहतक में फिर मचाया धमाल। खबरें अभी और भी हैं। आइए चलते हैं विस्तृत समाचारों की ओर। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए शिमला के होटल पीटर हॉप में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग शुरू हो गई है। इस बैठक में आज ये तय हो जाएगा कि हिमाचल की बागडोर किसके हाथ रहेगी। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सिराज के विधायक जयराम ठाकुर के नामों की चर्चा जोरों पर है। पीटर हॉप में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी मंगल पांडे पहुंचे। वे सभी जीते हुए विधायकों से बैठक कर रहे हैं। इसी बीच यहां पहुंचे केंद्रीय पर्यवेक्षकों निर्मला सीतारमण तथा नरेंद्र तोमर ने भी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए जारी प्रक्रिया की भी जानकारी दी। हालांकि इस बैठक में शांता कुमार और जेपी नड्डा हाजिर नहीं हुए। इंटरस्टेट बस स्टैंड मंडी में आज सुबह बम की अफवाह से हड़कंप मच गया। किसी व्यक्ति ने अड्डा इंचार्ज को फोन पर बताया कि बस अड्डे में बम रखा हुआ है। अड्डा प्रभारी ने जैसे ही ये सूचना पुलिस व प्रशासन को दी तो वहां पर एकदम अफरा तफरी मच गई। सवारियों को बाहर निकालकर अड्डे को एकदम खाली करवा दिया गया। डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची पुलिस ने बस स्टैंड का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बम की सूचना को री अफवाह साबित हुई। हालांकि पूरा प्रशासन मौके पर पहुंच चुका था, मिला कुछ नहीं। चलो इसी बहाने मॉकड्रिल तो हुई। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्सेज के अधीन नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनपीसीसी बिलासपुर की बंदरा धार पर देश का दूसरा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में बिलासपुर की बंदरा धार पर कॉलेज भवन निर्माण के लिए कॉरपोरेशन को काम दे दिया गया है। अब ये कॉरपोरेशन 31 जनवरी 2018 तक पूरा मास्टर प्लान तैयार करके प्रेषित करेगा और फरवरी के पहले पखवाड़े में होने वाली बीओजी की मीटिंग में ड्राइंग को लेकर चर्चा होगी। यदि इसमें बदलाव की जरूरत होगी तो वह भी किया जाएगा, अन्यथा कार्य शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी जाएगी। अगले 2 साल के अंदर कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। उत्तरी कश्मीर में सरहद की हिफाजत करते हुए हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हुए शिव सिंह को आज अंतिम विदाई दी गई। नालागढ़ कालीबाड़ी में सुबह जब शिव सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा तो हजारों आंखें नम हो गईं। परिजनों ने तिरंगे में लिपटे अपने लाडले को देखा तो वे विलक विलक कर रो पड़े। उनको ढाढ़स बंधाने आए लोग भी आंसुओं को रोक नहीं पाए। शहीद का कीरतपुर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान युवाओं ने शिव सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए। धर्मशाला में हाल ही में अवैध होटलों पर हुई कार्रवाई के बाद मैक्लोडगंज में दूसरे होटलों ने अपने रेट 5 गुना तक बढ़ा दिए। प्रशासन के नाक तले हुए इस बढ़ोतरी से जहां पर्यटक परेशान हैं, वहीं नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 1 दिसंबर के बाद कई होटलों ने रेट लिस्ट ही गायब कर दी है। कायदे से रेट लिस्ट हमेशा डिस्प्ले होनी चाहिए। हिमाचली बेटी सीमा ने एक बार फिर गोल्डन रेस लगाई। धर्मशाला साई हॉस्टल की इस स्टार एथलीट ने 5 और 3000 मीटर रेस में प्रदेश को गोल्ड मेडल दिलाए। ये स्वर्णिम मुकाम सीमा ने रोहतक में नेशनल स्कूली गेम्स में पाया। उन्होंने 5000 मीटर रेस 17 मिनट 49 सेकंड और 3000 मीटर दौड़ 10 मिनट में पूरा कर स्वर्ण पदक जीते। चंबा के रेटा गांव की होनहार के नाम इससे पहले भी कई उपलब्धियां हैं। सीमा नेशनल रिकॉर्ड धारी बनने के साथ एशियन गेम्स में कमाल दिखा चुकी हैं। गोल्डन गर्ल ने इसी साल बैंकॉक में एशियन यूथ एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता। वहीं इससे पहले उसने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नेशनल रिकॉर्ड तोड़े। सीमा ने आंध्र के विजयवाड़ा में जूनियर एथलेटिक्स मीट में 3000 मीटर दौड़ 9 मिनट 50 सेकंड में पूरा कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। हैदराबाद में नेशनल यूथ एथलेटिक्स में 3000 मीटर दौड़ रिकॉर्ड 9 मिनट
56 सेकंड 25 मिली सेकंड में पूरी की 2016 में तमिलनाडु के कोयंबटूर में 2000 मीटर दौड़ 6 मिनट 27 सेकंड 13 मिली सेकंड के नेशनल रिकॉर्ड संग पूरी की। सीमा ने दिव्य हिमाचल के साथ विशेष बातचीत में कामयाबी का श्रेय अपने कोच केएस पटियाल, परिवार व प्रदेश भर के लोगों की उम्मीदों को दिया, साथ ही आगे और बेहतर प्रदर्शन करने का वादा किया। धर्मशाला वेस्ट वॉरियर संस्था की ओर से चलाए गए जागरूकता अभियान में स्मार्ट सिटी धर्मशाला में खास खास जगह पर संस्था की ओर से पेंटिंग बनाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर को सुंदर बनाना और खूबसूरत दिखने के लिए किया जा रहा है। साथ ही इसका उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना भी है। दिव्य हिमाचल से बातचीत के दौरान संस्था के ऑपरेशन मैनेजर राहुल मक्कड़ ने कहा कि इससे लोगों के दिलों में अपने शहर के प्रति स्वच्छता की भावना जागरूक होगी और शहर सुंदर व आकर्षित दिखेगा, पर्यटकों को एक अलग चीज देखने को मिलेगी, साथ ही ये जानकारी का काम भी करेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।